नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माई लाइफ सपोर्ट। दोस्तों, आपने एक्सेल में ऑटो सम का यूज़ किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने MS Word में ऑटो सम का यूज़ किया? हो सकता है नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ किस तरह हम MS Word में ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग अच्छे से MS Word में ऑटो सम का यूज़ करना सीख जाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बिना टाइम गंवाएं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है MS Word में और अभी हम क्वांटिटी अमाउंट GST और टोटल अमाउंट का सम लेकर आने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऑटो सम का बटन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी निकल के आ गई। इसी तरह हम अमाउंट निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ऑटो सम बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद GST का अमाउंट निकालना है आपको, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और ऑटो सम बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा GST का अमाउंट आ गया। इसी तरह अगर आपको टोटल निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और इसके बाद ऑटो सम बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया डेमो, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा फाइल वाले टैब में, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल कमांड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी हमें यहाँ पर सम ढूंढना है, ठीक है। तो आप अपना ये जो स्क्रॉल बार है इसको नीचे तक लेकर जाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑटो सम की कमांड यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिए। बाकी दोस्तों अगर आपको यहां से कोई कमांड डिलीट करनी है तो आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है और उसके बाद आपको अपनी कमांड सिलेक्ट करनी है यहां से और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो वो कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में से हट जाएगी। तो क्विक एक्सेस टूल बार यहां पर होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेव है, अंडो है, रेडो है, ठीक है। और यहाँ पर अभी एक कमांड और ऐड हो जाएगी ऑटो सम की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई कमांड हटानी है तो यही सभी स्टेप आपको दोबारा से फॉलो करने होंगे। और उसके बाद अभी हमने ऐड पर क्लिक किया था, तो अगर आपको हटाना रहेगा तो आपको अपनी कमांड सिलेक्ट करनी है और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये कमांड हट जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये कमांड हमारी क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कमांड आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हम यहाँ पर अपना कर्जर लेकर आएंगे जहाँ पर भी आपको अपना टोटल दिखाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो सम का बटन प्रेस करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्वांटिटी का सम निकल के आ चुका है। इसी तरह अगर हमें अमाउंट का सम निकालना है तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो सम पे, तो यहाँ पर ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम GST का सम निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ ऑटो सम का बटन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा GST निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें टोटल निकालना है तो हम अपना कर्जर यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देना है तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप यहां पर ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।